सो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे एडवांस आसन जिनको करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, जिनके अलाइनमेंट थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट विश्वास मानिए, बहुत ही ईजी पोज है। आपको अगर आप उसके अलाइनमेंट अगर आप सही से समझ गए तो आप एक दिन में ही वो आसन कर सकते हैं। तो कुछ छोटे से और बहुत ही कम स्टेप में मैं आपको बताऊँगा कि एडवांस पोस्चर आप किस तरह से कर सकते हैं। तो जितने भी अभी हम एडवांस पोर्शन करेंगे तो वो सारे आपके आर्म बैलेंसिंग है। तो इनके लिए आपके शोल्डर्स और आपके रिस्ट, आपके आर्म्स काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, तो ताकि पूरी बॉडी का वेट आपका इन्हीं पे निर्भर रहता है। ओके, तो चलिए सीखते हैं। आज आपका जो आसन है वो है पार्श्व भुजा दंडासन। ओके, चलिए आसन से पहले कुछ शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं जिनसे आपकी आर्म स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकता है। चलिए, सो फर्स्ट योर आसन इज flying position. Okay, so your wrist under the shoulders, look forward and hold here for 10 breath. So keep inhale, exhale, and after 10 breath your push-up position. So try to come to chaturanga, higher plank, chaturanga, higher plank, chaturanga and higher plank and chaturanga. So hold you for 10 breath. जितना आप में स्ट्रेंथ हो उतनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, बट मैक्सिमम और सॉरी योर मिनिमम आपका 10 breath होल्ड है। Then you hard back, drop the knees and exhale. Okay, so बहुत से लोग होते हैं कि जिनसे भी चतुरंगा नहीं होता है, तो उनके लिए क्या करना है, क्रॉस योर लेग। ओके, सो बैक साइड से आपको लेग को क्रॉस करने या नीज एंड ट्राई टू डाउन अप डाउन अप डाउन, ये आपका स्केल डाउन हो सकता है। नाउ सेकेंड वार्म अप इज, ओके, सो कम टू अ प्लैंक पोजीशन, टच योर राइट नी ऑन योर राइट लेफ्ट एल्बो, एक्सहेल चेंज, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, होल्ड इट फॉर 5 टाइम्स and then exhale, change chain pose. So shoulder strength increase करने के लिए, arm strength increase करने के लिए, जितना आपसे हो सकता है आप चतुरंगा hold करें, higher plank hold करें, चतुरंगा में variation try करें। और चलिए अब आसन की तरफ बढ़ते हैं। So आप अपनी mat पे आ जाएं, जो फुट होगा वो आपके राइट अपर थाई के प्रॉपर अप साइड होगा, तो जितना हो सकता है उसको आप बैक साइड करें। नाउ एक्सहेल, बेंड योर राइट लेग। ओके, सो राइट लेग का थोड़ा सा बेंड करना है एंड दोनों पाम्स, नाउ प्लेस योर राइट पाम ऑन योर बैक साइड। ओके, सो बस और आगे, सो प्लेस योर राइट पाम ऑन योर बैक साइड एंड योर लेफ्ट पाम इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी। ओके, सो मेक श्योर आपके पोजीशन इस तरह से हो कि आपका लेफ्ट फुट आपके राइट आपके सॉरी आपका लेफ्ट फुट आपके लेफ्ट अपर आर्म पे हो। ओके, एंड नाउ धीरे से अपने राइट फुट की मदद से थोड़ा सा हिप को अप करेंगे, इस पोजीशन पर रहेंगे एंड नाउ धीरे धीरे अपनी बॉडी हुई फॉरवर्ड की साइड एंड ट्राई टू करेंगे लेग को अप करने का। धीरे से लेग डाउन, हिप डाउन एंड यू लेग स्ट्रेट एंड सेम टू केस विद अदर साइड। ओके, सो ये थे आपके कुछ ही स्टेप में आपके ये आसन पूरा हो जाएगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये 2-3 दिन में आसन आप आराम से सीख सकते हैं। किसी भी पोस्चर में आप जब भी जाएं तो आपकी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। सो जितनी आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होगी उतना ही इजी होगा आपको पोस्चर को होल्ड करना। आई होप ये वीडियो आपको थोड़े बहुत कुछ मदद करेगी आपको नए आसन सीखने में, नए एडवांस आसन सीखने में। ओके, सो धन्यवाद।